दोस्तों, मैं अभिषेक यादव। फिर आज रेगुलर टॉपिक के साथ, जैसे कि आप और आपके पेट अच्छे होंगे, तो जैसे कि जो आज का टॉपिक है वो है कि रैबिट का इलाज कैसे हो, अपने घर पे संभव है या नहीं है, कौन सा इलाज घर पे संभव है और कौन सा नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर होगा कि जैसे काफ़ी सारे जो बीमारियाँ होती है वो ऐसी होती है कि आप उसका घर पर अपना इलाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। और काफ़ी सारी ऐसी होती है जिस पर आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ता है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर उसका है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा तो मतलब जाएगा ही। आप उसको कितना भी अपने प्रति कच करके देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो डॉक्टर के पास जाने के बाद ही ठीक होती है। वैसे तो लगभग सभी बीमारियां घर पे ठीक हो सकती है, क्योंकि कुछ दवाइयां होती है जो आप उसको घर पे दे सकते हैं, बट कुछ ऐसा हो जाता है कि रैबिट का जो डॉक्टर के पास जाने पर ही उसको ठीक महसूस करेगा। जैसे कि मेरे पास भी पैसे पहले 2-3 केस आ चुके हैं जिसमें रैबिट को दिक्कत आ रही है, उसका इलाज ढंग से हो नहीं पा रहा है। मैंने अपनी सभी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ उसको बताया हुआ है, बट फिर भी कोई असर दिख नहीं रहा। या तो वो ढंग से इलाज कर नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको मैं ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ। कुछ एक तो दूर होने का भी जो गैप होता है वो हो जाता है, कई बार कई तरह की दिक्कत आ जाती है। जैसे कि मैं टाइम पर हाजिर नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा मैं भी बिज़ी चल रहा हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब आ रहा है तो काफ़ी सारे कॉल वगैरह आ रहे हैं, किसी का अटेंड कर रहा हूँ, किसी का नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए मेरा सॉरी है। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कीजिए कि अगर आपके आसपास पे कोई अगर पेट की दुकान है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इलाज एक डॉक्टर कर पाता है वो कोई भी नहीं कर पाता है। अगर आपके पास नहीं होती है तो आप उसको घरेलू उपचार दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में ये होता है कि आप उसको सारी चीज़ प्रॉपर दे रहे हैं, हर मेडिसिन हर तरीका उसका केयर हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार लैक ऑफ डिफेंसेस हो जाता है। सबका कारण यही बनता है कि या तो उसके आसपास में गंदगी, या फिर उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर नोटिस कीजिए कि उसकी हरकतें क्या कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर आपको बातें उसकी हरकतों से ही समझ में आ जाएगी कि उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। बाकी अगर किसी के आसपास में नहीं है वेटनरी की शॉप तो हमसे संपर्क कर सकता है, बाकी हम तो आपको सारी चीज़ बता ही सकते हैं। बाकी मेहनत करना आपका काम है, आप जिस तरीके की मेहनत करेंगे, जिस तरीके आप उतना कर पाएंगे, आपका और आपका एनिमल उतनी तरीके से रिकवर हो पाएगा, उतना अच्छे तरीके से केयर होगी, उतना अच्छा उसके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए यही था, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।